अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं हरजादा और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस वक्त मैं स्वात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं ये एक तारीखी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसलिए मौजूद हूं कि यहां पर क्या क्या मसायल है यहां पर कौन सी गेमें खेली जाती है क्या सूरत हाल है तो पहले मरहल में मैं आपको दिखाऊँ सेक्शन जो है ना वॉलीबॉल का है इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ ये आप देख सकते हैं टेनिस का है इसी तरह आगे ये अंदर जो स्क्वाश वगैरह दिगर गेमें जो है ना वो की जाती है तो मैंने आपको दिखाना है कि यहाँ पर मसाइल क्या है और मसाइल के साथ साथ ये भी आपको बताना है कि ये इतनी खूबसूरत जगह पर बेहतरीन जगह पर यह मौजूद है तो हमारे साथ यहाँ पर यहाँ जो मुकामी शहरी है इनसे जानेंगे कि यहाँ पर खिलाड़ी हम कह सकते हैं बिल्कुल अच्छा सर ये बताएं क्या सूरत हाल है क्या नहीं है यहाँ पर आ, मैंने सुना है कि ये एक आ, मतलब कुछ मसाइल यहाँ पर मौजूद है लेकिन ये इस बात के तारीखी ग्राउंड जो मिंगा ग्रा से ग्राउंड है इसके साथ ये है और काफ़ी मशहूर है ये जितने भी मतलब यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी है वो यहाँ पर आए हैं यहाँ पर उन्होंने पफाम भी किया है तो आप क्या बताएंगे इस हवाले से यहाँ क्या सूरत हाल है आ, मेरा नाम शकील अहमद है और नाइनटीन से मैं यहाँ पर मम्बर हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ में मैं स्क्वाश खेलता हूँ तो वाली साहब के बाद जो उन्होंने बनाया था ये बिल्डिंग और ये एरिया जो है फिर तो हुकूमत पाकिस्तान को ये हवाले हुआ लेकिन इन दिनों स्पेशली जो सूरत हाल है हमारे इस कॉम्प्लेक्स के वो बहुत ही अबतर है तो इस से हम भी काफ़ी जो है परेशान हैं क्योंकि इन दिनों स्पेशल लोकल गोरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे एक अपना एक गोडाउन बनाया हुआ है अच्छा जो भी कोई रिलीफ़ आइटम्स आते हैं तो हो सकता है उनके साथ कोई अलग गोदाम या कोई और जगह नहीं हो लेकिन ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जिमनेजियम में आ, स्नूकर रूम में टेबल टेनिस रूम में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं इन्होंने स्टॉक की हुई है और प्लेयर इस वजह से नहीं आ रहे तो हमारा तो ये आपकी ये चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है मुतलका हुकाम से कि किइली इन चीज़ों को जो है यहाँ से निकालें ताकि यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है ये बहाल हो सके आप ये बताएं आप क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे आप हॉकी के रहे फुटबॉल के रहे रहेश के रहे तो आप ये बताएं कि आप यहाँ अब जिस एज में आप है हम दोनों हम उम्र होंगे तकरीबन तो आप बताएं कि अब आप इस वक्त आप क्या खेल खेल रहे हैं मैं इस वक्त स्क्वाश खेल रहा हूँ माशा और मैं इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन पैंतीस स्क्वाश खेलता हूँ ठीक है और ये शेरियार खान के ज़माने से मैं और शेरियार खान असमंदर खान मरहूम हम इकट्ठे खेलते थे माशा चूँकि ये अंडर डीसी का वो नहीं था हमारा हमारा था हम इसका जो है ना वो केयर कर रहे थे जब मैं मैं फिर कराची शिफ्ट हो गया कराची के बाद जब मैं तो ये डीसी अंडर हो गया ठीक है तो आठ साल से अभी मैं दोबारा खेल रहा हूँ यहाँ से आठ साल से मुझे जो बजाय खुद जो डिफ़िकल्टीज है वो मैं आपके चैनल की तरफ़ों से बताना चाहता हूँ कि हम तो हर मंथ में हर महीने में पीस देते हैं ठीक है ठीक है ये पीस हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी इन चीज़ों का मेंटेनेंस हो सके बिल्कुल ठीक हम फीस भी देते हैं मेंटेनेंस खुद भी करते हैं स्क्वाच कोर्ट जो है ना ये जो हमारा सामने स्क्वास कोर्ट है ये मैं ख़ुद धोता हूँ इसकी सफाई मैं खुद करता हूँ मैं करता हूँ ये मोहम्मद अली करता है और ये शकील का हम प्लेयर्स करते हैं कोई स्वीपर नहीं है है स्वीपर है ये लोग बोल रहे हैं स्वीपर है उसको महाना वो तनख्वाह भी दे लेकिन नजर नहीं आ रहा है ठीक ठीक तो हमारा रिक्वेस्ट है डी सी साहब से ठीक है कि इस खूबसूरत माहौल को और खूबसूरत बना खूबसूरत बना बिल्कुल हाँ। जिस मुल्क के और जिस इलाके के खेल के मैदान आबाद है तो वहाँ पर हस्पताल और कोर्ट्स वीरान है यहाँ हमारे साथ मोहम्मद अली साहब भी बे है आप बताइए आप क्या समझते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है क्यों ये ठीक नहीं हो पा रहा है क्यों ये सफाई नहीं हो पा रही है पहले तो हम आपकी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए और ये सारा सिस्टम जो है आपने ख़ुद देखा सवात में जो है वो ये ज़बरदस्त जगह बनी थी पाक आर्मी ने बनाया था तकरीबन तीन करोड़ के लगभग इस पर ख़र्च आया था और बेहतरीन बेहतरीन बनाया था उन्होंने 2010 में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसकी अफ्त की थी, की थी? उस वक्त मैं ख़ुद भी इधर मौजूद था और मैं सेम डेट जो शकील भाई ने बताया कि अठानवे से हम यहाँ खेलते हैं स्कोश यहाँ की कंडीशन वो दो हज़ार दस की तो अलग बात है लेकिन जहाँ तीन करोड़ रुपए लगे थे वो भी अब मौजूद नहीं है यहाँ पे जो चीज़ें थी वो आपने कुल की देखिए जो लोग बैठते हैं वहाँ पे स्टूलों पे या खेलते हैं या ऐसे कोई चीज़ तो मैं यही कह रहा हूँ ये गोदाम भी है वहाँ पर पाँच महीने पहले लाखों का माल आया था सैनिटाइजर स्पीरट कपन वगैरह ये सारे कुछ वहाँ पे आए थे पड़े अब भी पड़े हैं सही है लेकिन वो जो है कहाँ गई है और कहाँ जाते हैं और यहाँ जो पड़े हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल होते यहाँ पे छः सौ बेड आए थे ये जो मैं मेरे राइट साइड जो है लेफ्ट साइड यहाँ पे छः सौ बेड आए थे मरीजों के लिए तो कुछ कुछ जो है वो पता नहीं कहाँ गई है और कुछ पड़े हुए है यहाँ पे जो आप वाटर आपने देखी है कि वाटर आए हुए हैं मदियन के लिए आ, और ये अभी सप्लाई हो रही है आया एक कंटेनर माल और कहाँ कहाँ पर मतलब ये सारी बातें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे चोर है मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्पोर्ट की जगह है खुदा के लिए इस जगह को अडाना बनाए गोदाम ना बनाओ अडाना बनाओ एक चीज का कि हम यहाँ पे खुद काम करते हैं खुद धोते हैं खुद सफाई करते हैं और पीस भी मतली देते हैं मतली पीस कहाँ जाते हैं उसके पता है नहीं चलता कहाँ जाते है अब पेंट हो रहे हैं अब अब दिखाएंगे हम आपको हमारे अपनी मदद आप पेंट हो रहे है अच्छा डी साहब को कहो कि हमारे काम जो है वो करवाओ डी साहब कह रहे हैं मेरा तो अंडर ही नहीं है ए ए डी साहब को कहो को, को। मतलब इसकी तो अभी तक डीसी डी साहब लेते हैं अब यहाँ पे जो है वो पता नहीं चलता कि कौन हमारा ऑनर है कौन किस को हम बताएं, अपना फरियाद किसको सुनाएं, तो बहुत अच्छा किया आपने बहुत जबरदस्त काम किया कि आप यहां आए और आपकी वजह से अगर ये जगह बाध रही तो ये ऐसा लगेगा कि आपको सारा स्वभाव ही मिलेगा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक शकील आप कुछ कह रहे हैं सर इस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी, भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो उस इलाके की तरक्की और इलाकों के लोगों के फ़ायदे के लिए होती है यहाँ पे हम आपको नाम भी दे सकते हैं कि मुख्तलिफ्वार में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स आए हैं चाहे वो एसी हो या डी सी हो तो उन्होंने यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें अपने घर ले गए हैं मतलब गमले जो फूलों के गमले होते हैं या इवन हमारे जिमनेजियम में जो वेट मशीन्स हैं या डम्बल्स इवन रॉड्स जो हैं या बेंचेस जो हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो थी वो यहाँ से उठा के अपने घर ले गए हैं तो सर ये हमारे ही ऑफिसर्स हैं स्वाद के लिए आते हैं तरक्की के लिए कि नहीं यहाँ से चीज़ें ले जाने के लिए यहाँ पे ड्यूटी करते हैं अल्लाह हमारी मदद करे बिल्कुल इसकी मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करूँगा ये गलत बात है स्वाद की चीज़ स्वाद मेरे रहनी चाहिए और स्वाद के जंगलात भी और स्वाद की दिगर जो है वो भी शायद यहाँ पर कौन कौन सी गेमें खेली जाती है क्या क्या जगह है यहाँ पर यहाँ पे बेडमिंटन ये सामने बेडमिंटन कोर्ट है ठीक है मेरे बैक में जो लॉट्रेनस कोर्ट है ठीक है जहाँ पे मिनरल वाटर पड़े हैं वहाँ स्नोकर खेला जाता है ठीक है जहाँ बेड्स पड़े हैं वहाँ टेनिस हॉल है वो सामने जो है ना वो वहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह जो पड़े हैं वहाँ पे जिम का हुआ है और ये सामने हमारा स्क्वाश कोर्ट है ठीक है और ये वाला जो राइट पे जो वॉली बॉल है सही है ठीक है।, है सही और हमारे ऊपर जो है ना ये चेंज रूम है चेंज रूम है। वहाँ पे कोई है कोई सूबेदार मेजर रह रहा है एक तहसीलदार रह रहे, रहे और एक लेविज के ठीक है तो हम जो है नलेआम किट चेंज कर रहे हैं चलो कोई बात नहीं वो वो हल इसे करेंगे इंशाल्लाह सर इसलिए भी हम ये पूछना चाहते हैं आ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी अपने एक रेजिडेंसीज होती है तो अब यहाँ पे सर ये प्लेंग आ, एरिया में किसी का रहना ये कोई समझ नहीं आती सर कि यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं है बिल्कुल ठीक थोड़ा सा मुझे अगर थोड़ा सा दिखाया जाए यहाँ पर क्या आ, क्या आ, है और देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये एक तारीखी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और चाहूँगा कि ये अच्छा ये यह यहाँ पर आ, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये यह, यह, जिम है पड़ा हुआ था इसमें दो रूम अच्छा हाल है तो यहाँ जो सामान उन्होंने उठाया हुआ है और यहाँ पे जो इनको रिलीफ आइटम्स मिले थे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो उसमें पड़ हुए उन्होंने डम किया और हमारे जिम का सामान जो है सर वो नजर नहीं आ रहा है वो जिम का सामान कहाँ पे गया है ये, अब ये हमारे मेंबर्स हैं सर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना एक थाला लगाया हुआ है जी जी और ये ये बाहर से लॉक है है बोर्ड लिखा लिखा हुआ हुआ जिम बिल्कुल तो अब आप सर खुद देख लें कि ये गोडाउन है गवर्नमेंट का कि नहीं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक जिमनेजियम जिम है प्लेयर्स की ये जो जिम है ये सामान जो आया हुआ है कोरोना की मरीजों की

यहाँ पे डंप हुए अच्छा तो अब ये वो यहाँ से सर ले जाके मुख्तलिफ जगहों पे दे रहे हैं और ये जो कुछ बाकी पड़ा हुआ है तो आप, आपके सामने हैं यहाँ से सप्लाई हो रहा है अच्छा इसके साथ आप देख लें सर कि हमारे स्नूकर रूम का क्या हाल है यहाँ क्या क्या हाल पे मेंबर्स इस हालत में कैसे खेल सकते हैं आप टेबल की पोजिशन को देख लें सर फिर टेबल के ऊपर ये बेड को देख लें वहाँ से उन्होंने बेड उठाया यहाँ पे रखा हुआ है आप खुद देख लें सर कि इसमें कोई प्लेयर कैसे इस माहौल में अच्छा आ सकता है इसके बारे में थोड़ा सा तो पाक आर्मी ने जितना खर्च किया था चाहे इसलिए किया था कि ये लोग आके ये लेवी वाला इस... या कोई डी जी साहब वगैरह कोई आए और इसको इस तरह यूज करे मतलब ये तो नाजायज है आर्मी ने तो इसको इसलिए बनाया था कि कोई बंदा यहाँ खेले कोई बच्चा यहाँ से मतलब कोई अच्छा मुस्तबिल लेके जाए लाइट तो एक भी नहीं है जो लाइट अभी है पूरी हाल में सिर्फ ही एक लाइट है वो मेरा बच्चा स्कॉच कोर्ड उसको क्लीन कर रहा है सफाई कर रहा है सामने देखे मेरा बच्चा ये अंडर, अंडर सिक्सटीन चैम्पियन है वो खुद ही वो स्कॉच कोर्ट को सफाई कर रहा है बिल्कुल ठीक बिल्कुल आप देख रहे हैं कि वहाँ एक हमारा जवान जो है ना लगा हुआ है बच्चा लगा हुआ है वो खुद सफाई कर रहे हैं और नेशनल प्लेयर है, है स्क्वाश का खिलाड़ी है, है अंडर 16 का लेकिन होना ये चाहिए कि उनको हम सहूलत दें और सहूलियात के बजाय उन पर हम सफाई कर रहे हैं तो ये ज्यादा है बहर आप जो अहम मसला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि ये जो बैडमिंटन का जो कोर्ट है ये जो जगह है यहाँ पर अगर आप देखें सामने ये ये रबर मैट है और ये पाक आर में नहीं लगाए जी जी 2010 में जब इसको ये रिकंस्ट्रक्ट किया था अच्छा। तो उन्होंने इसके ऊपर लगाए थे काफी खर्चा किया था अच्छा अब आप खुद देख सकते हैं कि इनकी लापरवाही की वजह से मेंटेनेंस ना होने की वजह से सारा यहाँ पे उन्होंने उखाड़ के यहाँ पे रख दिया है तो ये क्यों मतलब इसके लिए क्या हिफाजत क्या है, इसके है, क्या है है किया जा सकता सफाई का एक बंदा होना चाहिए अच्छा और जहाँ कवर करते हैं कवर करते हैं सर जब भी बारिश हो क्योंकि सवाल जो है ये हार्ड एरिया है सर्दियों में जे जे। तो इसको कवर किया जाता है क्योंकि पहले ये कवर किया जाता था कवर किया जाता था सर तो उस वजह से ये बाकायदा कोई पाँच छह साल इसने काम किया हुआ है अच्छा जब लापरवाही शुरू हो गई थी वो खड़ गया जी, तो इस पे काफी खर्चा हुआ था बहुत खर्चे जब आप कह रहे हैं कि करोड़ की रुपए अच्छा आप बताए इसकी क्या सूरत हाल थोड़ा सा ये भी ये ये इनको ये वो मैट है जो पाक आर्मिनी मुल्क के अंदर नहीं है ये ये बायर मुल्क से मंगवाया गया था अच्छा अब ये हाल है अच्छा यहाँ से उतारा क्यों है वहाँ पे रखा क्यों है अब कंडीशन इसकी क्या है हुँ, हुँ, इस स्क्रैप क्यों बन चुका है ये इसकी कोई पता नहीं चलता ये लाखों की नहीं करोड़ों की माल है कि पाक आर्मी ने यहाँ मंगवाया था बाहर मुल्क से ये पाकिस्तान में नहीं होता अच्छा, अच्छा। और अब ये जो है ना बना हुआ है तो ये इसका है और कुछ जो है ना कुछ उसका वलीबाल का था और कुछ इसका था तो अब ये कंडीशन है इसका बहुत बुरी बात है बिल्कुल आ, ये काफ़ी तशवीशनाक हालात है अगर हमारे मौजूदा सहूलत को जो सहूलत मौजूद है और उसको ख़राब किया जाता है तो ये तो नहीं होना चाहिए जो भी इंतज़ामिया है जितनी भी यहाँ हमारे ज़िले इंतज़ामिया के ऑफिसर्स आए हैं उनको चाहिए था कि इसकी देखभाल करके मेंटेनेंस करते लेकिन लेकिन हमारे दोस्तों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से लेके गए हैं नाम भी मौजूद है अच्छा और वो लिस्ट भी हमने लिखी हुई है जो चीज़ें यहाँ से लेके गए हैं बहुत बुरी बात है बस नाम ले ले। वो खुद अपने आप को पहचानता होगा अच्छा ये स्क्वाश कोर्ट है अब हम यहाँ पर आ गए हैं जी ये स्क्वाश कोर्ट है जहांगीर खान जान शेर खान जो स्क्वाश के आलमी चैम्पियन रहे हैं और कमर जमान बहुत बड़े बड़े नाम है इस खैबर पुखनखा ने यहाँ पर पैदा किए हैं तो यहाँ पर क्या सूरत है स्ट कोड जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी रिनोवेशन हो रही है तो ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे खेलते तो है, तो हैं अपनी मदद आपके तहत उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं और उसी हिसाब से हम इसको मेंटेन रख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए तो कोई और जगह है नहीं ना कोई दूसरा कोई तरीका या जरिया है तो हम ख़ुद ही पैसे इकट्ठे कर जो भी लाइटिंग सिस्टम है या रिनोवेशन है तो साल हर हाँ साल हम इसको करते आ रहे हैं अच्छा जितना मतलब, मतलब हाँ आपने सुना आ, मतलब ये अपने मतदा मतलब आपके तहत हमारे ये खिलाड़ी ख़ुद अपने पे, जब से पैसे खर्च करके इसके देखभाल इसके रंग रोगान वगैरह दोबारा करते हैं मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को और मैं समझता हूँ कि हमारे जो सूबाई वजीर है खेल और यापत के उनको इस तरफ तोजो देना चाहिए और हमारे जो स्पोर्ट्स जितने भी इमरान ख़ान ख़ुद एक स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रहे हैं और उसने वज़ी अजम तक जो पहुंचे वो भी स्पोर्ट्स की वजह से पहुंचे हैं तो मेरा ख्याल में इनको स्पोर्ट्स की तरफ देनी चाहिए और नौजवानों को इस तरफ रागिब करना चाहिए एक और मसले की तरफ जाते हैं मेरे साथ रहे जी शायद कुछ कहना चाहते हैं हमारा जो यहाँ पे पाकिस्तान के फेडरेशन का जो सदर है काजी रशीद साहब वो स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिसर से मिला हुआ था वो उसको बाकायदा विजिट भी किया था यहाँ पे और ये सारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का स्टेमेट लगाया था उसने पूरा जो ना इस पर जो इन्वेस्टमेंट है उसने अपनी वो कह रहे कि हम स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ये करेंगे आपके लिए उर्ट्स कोर्ट बनाएंगे जगनीजियम बनाएंगे सब कुछ मेंटेन करेंगे लेकिन उसकी शर्त ये थी कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले करना है आपको अच्छा जब डी जी साहब डी सी साहब से जब उसकी मीटिंग हुई तो उसने इनकार की ये मैं नहीं कर सकता अच्छा। तो वो मौका भी हमारे हाथ से गया बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक अगर स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले हो जाता तो वो अपनी मतलब वो खुद करता है सारा खर्च बिल्कुल बिल्कुल पन होते हैं आगे चलते हैं कुछ और चीज़ को देखता हूँ कि और क्या है मैं तो इसको कवर करने आया था कि खूबसूरती दिखाऊँ और अच्छी सहूलत दिखाऊँ लेकिन बदकस्मती से ऐसा नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल है ये देखते हैं वॉलीबॉल जो सेट पे हम यहाँ पर जाते हैं कितना बेहतरीन अंदाज में ये बनाया गया है जाल लगा हुआ है हमारे जवान जो है ना बिल्कुल बगैर किसी तकलीफ के बग़ैर किसी मतलब आ, आ, रुकावट के टाइम है किए बग़ैर जब हम वाली बाल खेलते थे तो बाल उधर चला जाता था फिर उसको लाने में बहुत सारा टाइम लग जाता था आज यहाँ पर अगर आप देखें तो सिकंडों में वापस पाला जाता है और यहाँ पर जवान खेल सकते हैं बिलाखोप वतर लेकिन इसके जो नट में देख रहा हूँ वो तो इंतहाई खस्ता हाल है मेरा ख्याल में ये भी आप लोग अपनी मदद आप खरीदते हैं कि क्या सूरत हाल है ने, कि नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉड करते हैं बात है सर यहाँ पे आप देख लें इस दीवार के उस साइड पे जो ग्रासी ग्राउंड का एरिया है वहाँ पे सर बहुत सारे वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं लेकिन ये फैसिलिटी ना होने की वजह से सर वो यहाँ पे अंदर नहीं आते क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि ये नेट नेट की क्या पोजीशन है सर तो उनको हमने रिक्वेस्ट की क्या है यहाँ पे खेलें तो कहते हैं सर हम जरूर आएंगे जी जी लेकिन अगर कोई फैसिलिटी हो यहाँ पे प्लेइंग कोई हमें राइट मिले

हाँ अच्छा। वो तो भी इधर होते है लाइसेंस के लिए या कोई कॉलेज से या स्कूल से कोई ट्रायल होते हैं तो वो भी इधर होते है तो ये इस चीज़ की काबिल है अब देखें खुद देखें आप नहीं देखे, देखे नहीं बिल्कुल ठीक मैं थोड़ा सा नेट आपको दिखाऊँ और सारे कदीमा का मंजर पेश करता हुआ अगर आप देखें कैमरा अगर आप इस तरफ से देखें तो बहुत ही बुरा हाल है नट का और इसी तरह और चीज़ें भी ख़राब तो रहा है मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों के मुस्कबिल सेल बन खेलना बंद होना चाहिए और इनको सहूलियात फरहम कर देना चाहिए मेरा ख्याल है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी मैं कोशिश करता हूँ कि मिसबत पहलू स्वाद की दिखाऊँ लेकिन आज थोड़ा सा बुरा पहलू मैंने आपको इसलिए दिखाया कि चूँकि ये नौजवानों की मुस्तबिल की बात है नौजवानों की सेहत के हवाले से है तो मेरा ख़्याल है कि इस पर तवज्जो देना चाहिए और हुकूमत को और ज़िली इंतज़ामिया को खसूस तौर पर इसका देखभाल इसके मैंटेनेंस दोबारा जो है ना उसको रिनोवेशन करना चाहिए मेरे साथ रहे इन शह अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी किसी और जगह पर किसी और मुकाम पर मैं कोशिश करता हूँ कि डी सी साहब का या किसी और का मौक़ भी ले लूँ अच्छा एक खिलाड़ी से भी बात करता हूँ एक नौजवान है हमारे साथ अस्सलाम आपका नाम क्या है वालेकुम सलाम मेरा नाम मोहम्मद रूप खान है जी। रूप आप ये बताएं कि क्या खेलते हो आप यहाँ पर मैं यहाँ पर स्क्वाश का प्लेयर हूँ जी अच्छा हाँ जी तो क्या सहूलियात आज नहीं है सहूलियात सहूलियात के हवाले से मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पर तकरीबन आठ एहलकार है की जो यहाँ पर ड्यूटी पर है और वाटर पानी का कूलर भी हम खुद यहाँ पर बनवाती है अच्छा और यहाँ पर सहूलियत के लिहाज से मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल ठीक अल्लाह करे कि ये जगह आबाद हो जाए दोबारा और आबाद है लेकिन थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है मेरे साथ रहे अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी किसी और जगह पर किसी और मसले पर किसी और खूबसूरत मुकाम पर अल्लाह हाफज़ इस तरह श्रीदार साहब सफ़ाई तो रेगुलरली वहाँ हो रही है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब बाबू जई साहब उसके इंचार्ज है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ आते हैं और अपने शाम को इवनिंग अपनी वाक भी करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं सामान के लिहाज से इस तरह है कि जी कि आपको पता होगा कि रिसेंटली ये फ्लड आया हमारा बहुत बड़ा स्वाद के अंदर और पी ने काफ़ी ज़्यादा सामान भिजवाया हुआ था वो हमारे पास एक प्रोटेक्टेड जगह है स्टोर्स के अंदर इतने बड़े स्टोर्स कोई नहीं थे कि वहाँ सामान को जूसेज हैं पानी की बॉटल हैं तो जो वेकेंट स्पेसेस हैं जो को स्क्वाश कोर्ट में नहीं रखा बैडमिंटन कोर्ट में वो सामान नहीं रखा हुआ बाकी ग्राउंड्स में नहीं रखा हुआ जो वेकेंट स्पेसेस थी उनको प्रोटेक्शन के लिए वो सामान हमने वहाँ रखा हुआ है वक्ती तौर पर वो भी हम रेलिवेंट तहसील्स को भिजवा रहे हैं अदरवाइज़ उसके लिए आप देखें सिक्योरिटी जो है वो सारी की सारी खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है अभी रिसेंटली सारा वाइट वाश उसकी रिपेयर रेनोवेशन हमने ऑन रिसोर्स से की है मेरी जो लोग वहाँ खेलने आते हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है इसकी केयर करें और ख़ुद भी इसकी सफ़ाई का ख्याल रखें अदरवाइज़ हमारा जो अमला है वो रेगुलरली इस पर काम कर रहा है